डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ अ कायरल कार्बन। देखिए, अभी तक जो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी वो थी वहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट था, और कायरल कार्बन की वजह से हम ये बोलते थे कायरल कार्बन क्या हुआ कि जिससे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और अगर हम उसकी इमेज देखने जाएंगे तो वो मिरर इमेज जो होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी, और उस कायरल कार्बन के अराउंड जो भी ग्रुप्स हमने लिए हुए हैं वहाँ पर कोई भी सिमिट्री हमें, यानी कोई एलिमेंट ऑफ सिमिट्री वहाँ देखने को नहीं मिलता। तो वो जो हमने पढ़ा था वो तो पढ़ी थी, उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल कायरलिटी। ठीक है, अब जो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट ही नहीं होगा लेकिन फिर भी कायरलिटी है। अब वो कायरलिटी किस वजह से है या ऑप्टिकल एक्टिविटी किस वजह से है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अब की बार होगी ड्यू टू कायरल एक्सिस। अब ये कायरल एक्सिस कैसे बन के आती है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई, अभी हमने जब मैंने अभी आपको बताया कि एक हमने सेंटर ले लिया कायरल सेंटर, यानी कायरल कार्बन ले लिया सपोज, उससे चार डिफरेंट ग्रुप जो थे वो अटैच्ड हो गए, और जो ये स्ट्रक्चर बन के आया वो सिंपल एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बन के आता है, और यहाँ सेंटर में जो है वो कायरल कार्बन है। तो सेंटर में कायरल कार्बन है इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये सेंट्रल कायरलिटी है। अब अगर हम इस कार्बन को, जो सेंट्रल कार्बन हमने लिया था, इसको हम एक ग्रुप से सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी इस वाले ग्रुप से अगर हम एक्सचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो टेट्राहेड्रन हमारा बना था ये थोड़ा सा इलॉन्गेटेड हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी आ जाए, यानी सेंट्रल कार्बन की जगह अगर हम ये ग्रुप ले लें तो जो ये टेट्राहेड्रन यहाँ बन के आता है वो एक इलॉन्गेटेड फॉर्म में आ जाता है, और ये इलॉन्गेटेड फॉर्म जब टेट्राहेड्रन की बन जाती है तो ये एक सुपर सॉरी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देती है, और यहाँ जो ये वाली एक्सिस है जो कि इस बॉन्ड से होती भी जाए, मैंने इन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है इससे होती भी जा रही है, इसको हम बोल देते हैं ये है कायरल एक्सिस। ठीक है, और इस कायरल एक्सिस की वजह से अब की बार क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे होगा वो हमें अभी हम आगे देखेंगे, पर इसकी वजह से वो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती। तो ये होती है वो कायरल एक्सिस, जब हम सेंट्रल कार्बन को किसी टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में अगर हम सेंट्रल कार्बन को इस ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो जो एक्सिस यहाँ पर निकल के आएगी वो, और ये जो टेट्राहेड्रन है वो थोड़ा सा इलॉन्गेटेड हो जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप समझ भी सकते हैं, देखिए अगर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखाऊं ये ऐसे करके, तो ये एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये एक टेट्राहेड्रल है लेकिन ये इलॉन्गेटेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन के आया है। और अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें तो ये दोनों मिरर इमेज जो दोनों कंपाउंड सॉरी जो मिरर इमेज बन के आई ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है इसकी। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट हो जाती है ड्यू टू कायरल एक्सिस। अच्छा, अब ये सी डबल बॉन्ड सी ये क्या ग्रुप है, या हम इसको किस ये ड्यू टू कायरल एक्सिस जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो किन किन कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम उसमें ले रहे हैं एलीन्स, और ये एलीन्स में ही सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप होता है। यानी व्हेन थ्री और मोर एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड्स द कंपाउंड इज कॉल्ड अ क्यूमुलिन, और एलीन इज द सिंपलेस्ट क्यूमुलिन। जब भी कभी किसी कंपाउंड में तीन कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे तो ऐसे वाले बॉन्ड्स को हम बोल देते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया इसको हम बोल देते हैं क्यूमुलिन। तो जो एलीन होती है वो एकदम सिंपलेस्ट एल्कीन सिंपलेस्ट क्यूमुलिन होती है, ये जिस इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना भी रखा है। यहाँ पर क्या है, जो ये टर्मिनल कार्बन है या टर्मिनल मिथाइलिन ग्रुप है CH2, ये मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं, टर्मिनल मतलब ये जो कॉर्नर और ये इस कॉर्नर में जो ये दोनों मिथाइलिन ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए, आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एकदम प्लेन में है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। हालांकि इसकी तो सुपर इम्पोज होगी ही, जो इस क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं हमने सब सेम ले रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में बस मैं स्ट्रक्चर समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है कि जो ये दोनों हाइड्रोजन एटम है ये जिस प्लेन में है ये दोनों हाइड्रोजन इससे डिफरेंट प्लेन में होते हैं, यानी इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आते हैं। ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो गया और एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होता है। ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं, इनमें एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होता है और दूसरा बिलो द प्लेन होता है। उसके स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से समझ भी सकते हैं। देखिए, यहां पर जो ये कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
कार्बन का हाइब्रेशन, अगर मैंने आपको कभी पहले बताया भी हो शायद, अगर हमें हाइब्रेशन चेक करना हो तो हम क्या करते हैं कि कार्बन के अराउंड कितने सिंगल बॉन्ड हैं, या तो ये चेक कर लीजिए, या कार्बन कितने एटम से अटैच्ड है, बस वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ कार्बन जो है 3 एटम से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, 1, 2 और 3। तो अगर कार्बन, देखिए कार्बन सिर्फ 3 तरीके के हाइब्रेशन शो करता है, sp, sp2 और sp3। sp में हमेशा कार्बन 2 कार्बन एटम से या 2 एटम से अटैच्ड होगा, तो इसलिए वहां पर हो जाए, जब ये 2 एटम से अटैच्ड होगा तो sp हाइब्रेशन आएगा। जब 3 एटम से अटैच्ड होता है तो sp2 आता है, और जब 4 एटम से अटैच्ड होता है तो sp3 आता है। ये हम इसके नंबर को भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ 3 p ऑर्बिटल और 1 s, कुल मिलाकर 4 ऑर्बिटल्स, 2 p ऑर्बिटल्स और 1 s ऑर्बिटल, कुल मिलाकर 3 ऑर्बिटल्स, और ये 2 ऑर्बिटल्स। तो हमेशा या तो कार्बन के अराउंड आप सिंगल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, क्योंकि हाइब्रेशन में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं। तो हमें, अगर हम सिंगल बॉन्ड भी काउंट करें तो कार्बन के अराउंड 1, 2 और 3, यानी जो सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, जो बने हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए कार्बन का हाइब्रेशन हो गया sp2। ये कार्बन से सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, इसलिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ, और ये कार्बन फिर से sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो अब क्या है, अब अगर हम देखें, अगर ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो वो जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है, अगर हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर मैंने तीनों कार्बन शो किए हुए हैं। ये तीनों कार्बन से जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एक sp2 ऑर्बिटल है, ये एक sp2 ऑर्बिटल, और ये एक sp2 ऑर्बिटल। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जो इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, वो मैंने इस तरह से इसमें शो कर दिया। अब अगर हम इसका देखें, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होंगे, और वो दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक को मैंने ये रेड से शो कर दिया और दूसरे को पर्पल से शो कर दिया, तो ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम इस कार्बन की बात करें, तो इसमें ये एक sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 और ये sp2, और यहां पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा जो इस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो मैंने इस तरह से दिखा दिया। तो मैं आपको यहां पर ये शो कर रही हूं कि ये टर्मिनल कार्बन जो होते हैं, ये टर्मिनल मिथाइलिन ग्रुप्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे आते हैं। तो अब क्या होगा, जो इसका पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, वो इसके पी ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, तो यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। और जो इसका ये वाला बॉन्ड था, मतलब ये वाला पी ऑर्बिटल था जो इस वाले पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर था, वो इससे कंबाइन करेगा। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इधर की साइड जो पाई बॉन्ड बन रहा है और जो इधर की साइड पाई बॉन्ड बन रहा है, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे। और जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे, तो इसलिए जो टर्मिनल मिथाइलिन ग्रुप्स होंगे, वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। अब देखिए, इसको मैं आपको मॉडल से समझाना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारे पास ये होता है हमारा, ये पूरा एलीन का मैंने स्ट्रक्चर शो किया है विद इसके पी मॉलिक्यूलर और मतलब पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। देखिए, ये हमने कॉर्नर वाला कार्बन ले रखा है, ठीक है। कॉर्नर वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और वो दोनों हाइड्रोजन मैंने ऐसे शो कर रखे हैं। और इसके पास जो मैंने ये ऑर्बिटल यहाँ ये जो शो कर रखा है, ये है इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अगर आप, मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, तब भी वही बात होगी, ठीक है। तो ये जो ये है और ये वाला और ये तो हो गए इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स, और जो ये मैंने इसके ऊपर ऊपर और नीचे जो ऐसे ऐसे जा रहा है, वो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। फिर अगर हम सेंट्रल कार्बन की बात करें, सेंट्रल कार्बन क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक sp2 ऑर्बिटल, सॉरी, एक sp ऑर्बिटल इधर है और एक sp ऑर्बिटल इधर है, और इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचे हैं, तो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक तो जा रहा है ये ऊपर से नीचे, और एक जा रहा है ये आगे से पीछे, तो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे देख सकते हैं इस तरह, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, अब अगर हम तीसरे कार्बन की बात करें, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका एक sp2 ऑर्बिटल ऊपर, एक sp2 ऑर्बिटल नीचे, और एक sp2 ऑर्बिटल ऐसे, और इसके पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा, वो कुछ इस शेप में, ये ऐसे जा रहा है इधर की साइड, ठीक है। तो अब देखिए आप, जब इसमें
पाई बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा। सिग्मा बॉन्ड तो मैंने सब शो कर रखे हैं, जो ये ऊपर और ये नीचे शो कर रखे हैं ये पी ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए इसका पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके एक पाई बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। अब इस वाले के पास एक ये वाला पी ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक ये वाला पी ऑर्बिटल है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे। और अब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एक सेम प्लेन में है और ये हाइड्रोजन ऊपर की साइड है और ये हाइड्रोजन जो है वो नीचे की साइड है। तो इस तरह से ये एलीन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल जो मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं और इनके जो हाइड्रोजन्स होंगे या टर्मिनल मिथाइलिन ग्रुप्स ही कह लीजिए, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे होगा, ठीक है ना। ये आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये इस तरह से है और ये ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये जो कायरल एक्सिस बन के, ये जो एक्सिस बनी जो इस सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी के अलोंग जा रही है, वो एक कायरल एक्सिस यहाँ पर बन जाती है। इस कायरल एक्सिस की वजह से ही यहाँ पर जो होती है कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री हमें दिखाई नहीं देगी जब हम अभी मॉलिक्यूल को आगे डिस्कस करेंगे तो। और इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसी में दिखाना चाहूँ, सपोज यहाँ पर जब मैंने ये दोनों हाइड्रोजन ही ले रखे हैं, जब मैंने ये दोनों जो टर्मिनल मिथाइलिन ग्रुप्स हैं तो उसमें ये भी जो टर्मिनल कार्बन है सॉरी उसमें दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर इसका मैं पी ऑर्बिटल यहाँ पर हटा देती हूँ एक बार के लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ ना रहे देखने में आपको। तो अगर ये इस तरह से यहाँ जो देखिए, अब जो ये स्ट्रक्चर बन के आया ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि ये तो प्लेन में बन रहे हैं और ये ऊपर और ये नीचे बन रहा है, ठीक। अब अगर कोई पूछे कि क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमें दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री? अगर मैं एक प्लेन ऐसे डाल दूँ ऊपर से नीचे जाता हुआ, तो जब वो ऊपर से नीचे जाएगा तो ये कार्बन और ये कार्बन तीनों कार्बन कट हो जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है वो भी कट हो जाएंगे अगर ये ऐसे जा रहा है तो। और यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर प्लेन होगा तो ये हाइड्रोजन इसको और ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई देगी। और अगर मैं ऐसे एक प्लेन डालूँ, मतलब कट करता हुआ इस तरह से कट करता हुआ जाए, तो जब प्लेन इस तरह से कट करता हुआ जाएगा तो ये हाइड्रोजन भी कट होगा, ये हाइड्रोजन कट हो जाएगा, ये कार्बन कट होगा, ये कार्बन भी कट होगा, ये कार्बन भी कट होगा। और प्लेन क्योंकि इन कार्बन के बीच में से होके जा रहा है, तो अब की बार ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर ऐसे भी एक प्लेन ऑफ सिमिट्री है और ऐसे भी एक प्लेन ऑफ सिमिट्री है। तो इसका मतलब अब जब प्लेन ऑफ सिमिट्री कंपाउंड में आ गई है तो ये तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता भी नहीं। अगर हम सिंपल एलीन की बात करें तो वो कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। अब वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें एग्जाम्पल देखूं, अगर हम सिंपल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ, वो अकायरल होगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमिट्री। अच्छा, अब अगर हमने यहां पर चेंज किया, यहां पर टॉप वाले ग्रुप को हमने मिथाइल ले लिया, ये दोनों को हमने सेम रखा, यहाँ पर टॉप ग्रुप हमने ले लिया मिथाइल और बॉटम ग्रुप में हमने ले लिया हाइड्रोजन। तो अगर मैं चेंज कर दूं इसको, यहाँ पर टॉप ग्रुप को सपोज हमने भी यहाँ मिथाइल लिया, क्या अब इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है? तो हमने तो लिखा हुआ है कि हाँ भाई प्लेन ऑफ सिमिट्री। अब वो प्लेन ऑफ सिमिट्री आई कैसे, वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए जब हम प्लेन ऑफ सिमिट्री की बात करेंगे तो फिर से क्या होगा, अब अगर मैं इसको ऐसे प्लेन, हम दो प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल रहे थे, एक ऐसे डाल रहे थे और एक ऐसे जा रही थी। अगर मैं ऐसे डालूं यहां पर, तो यहां पर ऐसे डालने से क्या होगा, ये कार्बन कट होगा, ये कार्बन कट होगा, ये कार्बन कट होगा, ये वाला मिथाइल और ये हाइड्रोजन ये दोनों भी कट हो जाएंगे और ये वाले दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जब कट हो जा रहे हैं और ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमिट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए कंपाउंड में उसके कायरल होने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए। तो इस तरह से यहां पर इस तरह डालने से यहां पर हमें प्लेन ऑफ सिमिट्री दिखाई दे रही है। प्लेन ऑफ सिमिट्री में मतलब ना तो एटम्स कट होने चाहिए और ना वो एक दूसरे को मतलब वो दोनों अगर कट हो रहे हैं और एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर प्लेन ऑफ सिमिट्री है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कर रखा है, ये दोनों ग्रुप्स भी चेंज है, ये दोनों ग्रुप्स भी चेंज हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ, सपोज इसको मैं
ये ऐसे ले लेते हैं। अगर मैंने लिया ये ऐसे, या मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ तो ऐसे ज़्यादा सही दिखेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं ऐसे कट करूँगी इसको यहाँ से, तो क्या होगा, ये सब तो कट हो जाएंगे, ये भी, ये भी, ये, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने वो प्लेन लगाया, तो क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई कि कंपाउंड में एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, वो तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वहाँ पर ना हो। दूसरा ये जो कंडीशन हो गई कि जो टर्मिनल कार्बन है उससे दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। देखिए, जब दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे तभी तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। अगर सपोज यहाँ हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोजन होने पर क्या हो रहा था, जब हम ये कट कर रहे थे तो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल था ये तो कट हो रहा था, नीचे वाला हाइड्रोजन भी कट हो रहा था, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और अगर हम चारों ही सेम ले रहे थे तभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही रही थी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब नहीं आई, जब हमने इन दोनों एटम्स को जो है डिफरेंट लिया, और हर कार्बन, चाहे वो ये कार्बन हो और चाहे वो ये कार्बन हो, टर्मिनल कार्बन से दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट अटैच्ड होने चाहिए। जब वो डिफरेंट अटैच्ड होंगे तभी वहां पर जाकर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो ये कंडीशन हो जाती है इसके लिए। एक तो यहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है और ये दो, कुल मिलाकर दो डबल बॉन्ड है, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने से क्या होगा वो भी हम अभी देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये कंडीशन देख लीजिए कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए और ईच टर्मिनल कार्बन शुड हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। टर्मिनल कार्बन के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तभी वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और जब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेंगी। यहां पर जो होगा वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएंगी, यहां पर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेंगी, तो तब ये कंपाउंड जो होगा वो कायरल होगा। तो एलिन्स के केस में सिर्फ हमें ये देखना होगा, एलिन्स के केस में जाहिर सी बात है यहां पर तो इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने चाहिए और जो टर्मिनल कार्बन है उससे दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर वहां पर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे ये एक एग्जांपल हमने ले रखा है, तो जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं तो ये जो दोनों टर्मिनल कार्बन से जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो दोनों के दोनों अपने आप से ही प्लेन में आ जाते हैं। तो जब वो प्लेन में आ जाएंगे तो वहां पर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिल जाती है। देखिए वो कैसे प्लेन में आते हैं, ये मैंने एलीन का स्ट्रक्चर बनाया था। अब अगर मैं इसमें फिर से मैं इसके पी ऑर्बिटल्स को, अगर मैं बीच वाले कार्बन की बस पी ऑर्बिटल्स को फिर से दिखाना चाहूं और इसमें एक कार्बन मैं और ऐड कर दूं, तो देखिए क्या चेंज आएगा। ये मैंने इसको यहां से हटाया पर यहां पर एक कार्बन और अटैच्ड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारा जो बन के आया ये इस तरह से, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ, जो इसका ये वाला ऑर्बिटल था, ठीक है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल ऐसे ही होगा। देखिए जब हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं तब कैसे बना पा रहे हैं, ये मैं सारे ऑर्बिटल बना देती हूं एक बार के लिए। तो अब क्या होगा, सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब के सब पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे और पाई बॉन्ड भी बिल्कुल एक प्लेन में बन के आएगा। देखिए ये वाला पी ऑर्बिटल इस वाले पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके एक पाई बॉन्ड बना लेगा, ये पी ऑर्बिटल इस वाले पी ऑर्बिटल कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएगा, फिर ये पी ऑर्बिटल इस वाले पी ऑर्बिटल कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएगा। और जब ये इस तरह से बॉन्ड बने, बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही बन रहे हैं, लेकिन जो कॉर्नर वाले कार्बन है वो अब सेम प्लेन में आ गए हैं। देख लीजिए आप, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दोनों के दोनों सब सेम प्लेन में है। और क्योंकि ये सेम प्लेन में है इसलिए अब क्या है, आराम से यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लगेगी, हम ऐसे कट करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल को ऐसे यूं कर, मॉलिक्यूलर प्लेन जो होता है बिल्कुल ऐसे कट करता हुआ जाएगा। जब ये ऐसे कट करता हुआ जाएगा तो ये सारे एटम्स जो हैं वो कट होते हुए चले जाएंगे, और जब ये सारे एटम्स कट होते चले जाएंगे तो इसका मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और एलीन के केस में क्या हो रहा था, एलीन के केस में ये इस तरह से आ रहा था, क्योंकि हम ये कार्बन को, अगर हम बीच वाले को कार्बन को हटा दे रहे हैं तो फिर से क्या हो रहा था, ये इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से आ रहा था,
ये दोनों, ये एक ऊपर जा रहा था एक नीचे जा रहा था, और ये दोनों जो थे वो प्लेन में बन के आ रहे थे। तो एलीन के केस में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि टर्मिनल कार्बन से एक तो दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और इवन नंबर ऑफ बॉन्ड होने चाहिए। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए, यानी जब चार कार्बन अटैच हो गए और हमारे पास बीच में रह गए तीन बॉन्ड्स, यानी ऑड नंबर जब बॉन्ड होते हैं तो जो ये दोनों कॉर्नर वाले कार्बन होते हैं तो इनके जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें, अगर हम, ये तो हमने एलीन की बात की थी। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम ये देखें, जैसे कि इलोंगेटेड, मैं आपको बता रही थी कि जो हम कायरल एक्सिस ले ले रहे हैं, जब हम कायरल एक्सिस की बात करते हैं तो वो एक इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहां पर निकल के आता है। अब वो कैसे निकल के आया वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा था, ये अगर ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए ये एक बॉन्ड बना हुआ है और ये एक नीचे की साइड हाइड्रोजन है, ये दोनों इधर की साइड जा रहे हैं। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं किसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में भी सेम हमारे पास यही सिचुएशन आ रही है। देखिए, इसका ये और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे ही इसका ये हाइड्रोजन और ये, दोनों बिल्कुल सेम पोजिशन में है। और अगर मैं आगे वाले कार्बन को देखूँ तो आगे वाले कार्बन में भी ये और ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड, देखिए दोनों सब कुछ सेम है बिल्कुल। आप इसको देख लीजिए, ये मैंने यहाँ रखा है और ये ऐसे है, तो ये और ये यहां पर, ये और ये दोनों ये जैसे हैं, और आगे वाले ये दोनों से, तो ऐसा ही तो लग रहा है इसको देखकर यहां पर कि ये इलोंगेटेड, ये लंबा हो गया है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा। तो जब ये इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल हो जाता है, इसीलिए जो ये होती है ये कायरल एक्सिस बन जाती है। अब कायरल एक्सिस ये जब बन गई, कायरल एक्सिस का मतलब यहां पर अगर हमने ग्रुप जोड़ दिए हैं तो यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री यहां पर नहीं आती, अगर हम ये दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट रखेंगे तो बस इस तरह से यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एलीन्स होंगी और जब उस पर टर्मिनल कार्बन पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, जबकि वहां पर कोई सेंट्रल कायरल कार्बन वहां पर प्रेजेंट नहीं, यानी कि सेंट्रल कायरलिटी नहीं है, लेकिन उस कायरल एक्सिस की वजह से यहां पर कायरलिटी आ गई है। अब ऐसे ही अगर एलीन के डबल बॉन्ड को हम किसी रिंग स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दें तो ये जो हमारी बन जाती हैं वो एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन्स बन जाती हैं, तो वो भी नेचर में कायरल हो जाएंगी। पर वहां पर भी कंडीशन वही है, देखिए यहां पर क्या है, ये एक कार्बन है, फिर ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, और बीच में एक रिंग है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है, तो यानी इवन नंबर है। इवन नंबर से यहां पर क्या होता है कि अगर एक रिंग हो प्लस एक डबल बॉन्ड हो तो कुल मिलाकर हमारे पास टू नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर यहां पर आना चाहिए। चाहे वो इवन नंबर डबल बॉन्ड आएंगे तो एलीन हो जाएगी, और अगर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा तो फिर वो एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन्स बन जाते हैं, और ये भी कायरल होंगे। टर्मिनल कार्बन देखेंगे, यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन यहाँ पर, ये ऊपर है ये नीचे है, और ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कायरल कार्बन की जगह अगर हम नाइट्रोजन भी ले लें तो नाइट्रोजन के पास भी यही होगा कि इसके पास जो दो चीज़ें, दो दूसरा क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दो ग्रुप्स, एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और OH ग्रुप हो गया, ये दोनों सेम प्लेन में होंगे और यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट प्लेन में होंगे। तो जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं उनके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए कायरल होने के लिए। चाहे वो एलीन की बात करें, ये तो खैर एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जो ये वाला जहां पर इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे सिस और ट्रांस के होते थे बिल्कुल वैसे ही। और अगर एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन्स हो या एलीन्स हो, तो एलीन्स के केस में हमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करने हैं, और एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन्स के केस में हमें रिंग्स और डबल बॉन्ड को कुल मिलाकर हमें देखना है कि वहां पर इवन नंबर उसका आना चाहिए। तो इस तरह तो एलीन के केस में था। अब हम बात करें स्पायरेंस की। स्पायरेंस में क्या होगा, जब एलीन के दोनों डबल बॉन्ड किसी रिंग स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो जाएं। देखिए, एलीन में हम तीन कार्बन ले रहे थे, वही हम यहां भी देख रहे हैं, एक ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है और तीसरा ये कार्बन है। स्पायरन में क्या होगा, दोनों ही डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड था एलीन के केस में, और यहां डबल बॉन्ड था। लेकिन अब स्पायरन के केस में क्या होगा, इस कार्बन के बीच में एक रिंग बनी हुई है और इस कार्बन के बीच में एक रिंग बनी, तो जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो सब रिंग सिस्टम से जो है रिप्लेस हो गए हैं। तो जो अब जो मॉलिक्यूल बन के आया उसको हम स्पायरन्स बोल सकते हैं, या स्पायरेन्स भी बोल देते हैं, या स्पायरो कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो इसमें भी कंडीशन बिल्कुल सेम वही रहेंगी। यहां पर क्या होता है, ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। देखिए, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे नहीं, ऐसे देखते हैं।
देखिए, एक रिंग होती है प्लेन में, ये फोर मेंबर्ड रिंग है, ये बिल्कुल प्लेन में है, और ये वाली रिंग इसके परपेंडिकुलर है। मैं आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर एक रिंग ऐसे प्लेन में है तो दूसरी रिंग इसके ऐसे खड़ी हुई रहेगी, यानी परपेंडिकुलर रहेगी। और अब जो ग्रुप्स इससे जुड़े हैं, कॉर्नर वाला कार्बन देखें, एक ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया। इन दोनों कार्बन के बीच में एक रिंग बनी हुई है और इन दोनों कार्बन के बीच में एक रिंग बनी हुई है। तो अगर हम इस कार्बन से देखें, ये दोनों कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एक प्लेन में जा रहे हैं, और इस कार्बन से जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ऊपर अबव द प्लेन आ रहा है और दूसरा बिलो द प्लेन। प्लेन हम किसको मान रहे हैं, ये वाला जो इस ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये प्लेन है, और तो प्लेन से ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे की साइड जा रहा है, ये दोनों यहां पर प्लेन में है। तो अब अगर हम देखें, यहां पर कंडीशन वही रहेगी कि दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और दूसरी चीज क्या है कि जो कॉर्नर वाले कार्बन हैं उनसे जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। देखिए, अब यहां पर सेम ग्रुप्स हैं तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमिट्री होगी। कैसे? अगर मैं एक प्लेन ऐसे डाल दूं ऊपर से नीचे की साइड, तो क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे की साइड जाएगा तो ये सब कुछ तो कट होता हुआ चला जाएगा, ये दोनों कट होंगे और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इस तरह से जा रहा है वो प्लेन, ठीक है, यानी इसके बीच में यहां पर इस तरह ये ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और बाकी सब कट हो जाएंगे, ये दोनों ग्रुप्स भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर मैं ऐसे एक प्लेन डाल दूं, ये वाला प्लेन, तो ये वाले प्लेन में ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, बाकी सब कट होते हुए जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। जब हम प्लेन ऐसे डालते हैं तो ऊपर और नीचे वाले ग्रुप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर हम प्लेन ऐसे डालते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंडीशन यहां पर भी वही रहेंगी कि दोनों ग्रुप्स जो हैं, दोनों रिंग्स जो हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो और जो ये कॉर्नर में एक्स वाई जो हमने लिए हुए हैं वो एक दूसरे के सेम नहीं होने चाहिए, यानी वहां पर सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से मतलब होता है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और ये जो इस तरह दिखाने का तरीका होता है, चाहे तो आप दोनों रिंग्स को इस तरह से भी बना के दिखा सकते हैं, सिंपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ग्रुप यहां पर एक अगर प्लेन में दिखा रहे हैं तो एक को अबव द प्लेन और दूसरे को बिलो द प्लेन दिखाना पड़ेगा, और अगर आप इस तरह दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये रिंग प्लेन में है। और इस देखिए, अब मैं आपको यहां दिखाऊं इस वाली रिंग की अगर हम बात करें, देखिए ये रिंग हमारी प्लेन में है, ये ग्रुप ऊपर की साइड है और ये ग्रुप नीचे की साइड है। तो जो प्लेन में रिंग होती है उसमें एक ग्रुप ऊपर की साइड और एक ग्रुप नीचे की साइड होता है, और ये वाली ग्रुप, ये वाला कैसे दिखा रखा है, इसमें एक अबव द प्लेन जा रहा है और एक बिलो द प्लेन जा रहा है। तो ऐसे ये यहां पर एक अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, और जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाली रिंग होती है उसमें जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं, तो ये दोनों ग्रुप्स यहां पर सेम प्लेन में है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं स्पायरन के केस में, तो एक रिंग तो प्लेन में होगी, दूसरी रिंग उसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि अगर मैं ये पेपर लूँ, सपोज ये हमारे पास दो पेपर्स हैं, दो पेपर ना समझ के आप इसको फोर मेंबर्ड रिंग समझ लीजिए। तो अगर ये ऐसे प्लेन, ये मैंने दोनों को प्लेन में रखा हुआ है, सेम प्लेन में, अगर मैं इस रिंग को ऐसे परपेंडिकुलर कर दूं तो फिर ये हम कहेंगे कि ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों सेम प्लेन में हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन में हुई तो फिर वो तो हाँ, तो प्लेन ऑफ सिमिट्री आ जाएगी, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। तो ये दोनों भी स्पायरो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हुए। अब हम बात करते हैं बाइफिनाइल्स की। अब बाइफिनाइल्स का क्या मतलब होगा? बाइफिनाइल्स में जहां पर दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच होती हैं, वो होते हैं बाइफिनाइल्स, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल वैसे ही शो करते हैं जैसे कि हमने स्पायरन के केस में देखा। यहां पर भी दोनों बेंजीन रिंग जो होती है, अब देखो यहां पर कौन कौन सी कंडीशन आनी चाहिए। सबसे पहले ईच रिंग मस्ट बी अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, वो तो हम देखते आ रहे हैं, ये दोनों रिंग्स हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल रिंग की बात करें, सिंपल बेंजीन रिंग, ये देखिए मैंने बनाने की कोशिश की है बेंजीन रिंग, दोनों को अगर हम सेम प्लेन में रखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमिट्री आ जाएगी। अगर मैं इसको इसके परपेंडिकुलर कर दूं, परपेंडिकुलर करने पर भी प्लेन ऑफ सिमिट्री है। कैसे? ये वाली रिंग अगर ऐसे खड़ी हुई है, ये रिंग दोनों पहले फ्लैट थी और मैंने अब इसको एक रिंग को ऐसे खड़ी कर दिया, जो खड़ी वाली रिंग थी अगर मैं ऐसे प्लेन डालूं एक, तो क्या हुआ, ये प्लेन को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, और अगर ये इसके साथ ऐसे खड़ी थी यानी इसकी स्ट्रक्चर ऐसे था तो इस ये तो कटी जाएगी, ये भी कट जाएगी, ठीक है। और अगर एक प्लेन में ऐसे डालूं तो ये रिंग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी और ये रिंग इस तरह से कट जाएगी। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमिट्री होगी जब हम सिर्फ बाईफिनाइल की बात कर रहे हैं।
और बाईफिनाइल को जब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करनी होगी तो वहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। अब वो प्लेन ऑफ सिमिट्री कब नहीं आएगी तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाईफिनाइल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सबसे पहले क्या होगा, ईच रिंग मस्ट बी अनसिमिट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। दोनों रिंग जो है एक तो अनसिमिट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड हो। क्यों अनसिमिट्रिकली हो वो भी हम अभी देखेंगे, क्योंकि अगर वो सिमिट्रिकली हुई, सपोज यहां पर भी ये अगर NO2 है और यहां पर भी NO2 हुआ, तो क्या होगा फिर जो हम रिंग, जैसे अगर मैं इसको, ये सपोज आप 6 मेंबर्ड रिंग ही समझ लीजिए, ये मतलब इसको तो मैं नहीं समझा सकती, ये दूर रखना पड़ेगा इसको, इससे यहां से तो नहीं हो पाएगा, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि यहां पर NO2 है और यहां पर भी NO2 है। सपोज इसमें पहले तो ये समझ लीजिए दोनों रिंग का क्या है, ये रिंग तो प्लेन में है इस तरीके से, और ये रिंग ऐसे खड़ी हुई है। तो जब ये रिंग ऐसे खड़ी हुई है तो इससे ये रिंग, ये जो ग्रुप है ऊपर की साइड है और नीचे वाला नीचे की साइड है, ठीक है। और अगर मैं ये दोनों ही NO2 ले रही हूं तो मैं जब ऐसे एक प्लेन डालूंगी, तो जब मैं ऐसे एक प्लेन डालूंगी तो ये NO2 इस NO2 को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमिट्री हो जाएगी। अगर मैं दोनों ही COH ले लूं तो ऐसे ही, अगर ये प्लेन में मैं दिखा रही हूं सिंपल प्लेन में, तो ये सिंपल प्लेन में मैंने दिखाया ये COH हो गया और ये भी COH हो गया, तो जब मैंने इसको ऐसे काटा तो फिर ये भी COH और ये COH दोनों ही कट जाएंगे, और अगर मैं इसको ऐसे काटने की कोशिश करूंगी तो ये COH इस COH को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए हम सेम जो है ग्रुप्स नहीं लेते हैं, क्योंकि सेम ग्रुप्स जब भी लेंगे वहां पर प्लेन ऑफ सिमिट्री आ जाएगी, तो इसलिए दोनों रिंग्स जो है वो अनसिमिट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि बोथ रिंग मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड इन ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो पोजिशन पर ही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्थो पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, सपोज ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैंने यहां कर दिए, तो जब यहां कर दिए तो क्या होगा, रिंग घूम सकती है आपस में। घूमने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने ये दोनों फ्लैट में थी, मैंने इसको परपेंडिकुलर किया, अगर सब्स्टिट्यूशन सपोज यहां पर हुआ तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों डिस्टेंस पर हैं क्योंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड जैसी रोटेशन पॉसिबल होगा ये भी ऐसी हो जाएगी, ये खड़ी नहीं रहेगी, ये तुरंत ऐसी हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। अब ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन पॉसिबल होता है, उसी पॉसिबिलिटी को दूर करने के लिए हमने क्या करा, जो ऑर्थो पोजिशन थी वहां पर बल्कि ग्रुप्स को ऐड कर दिया, यानी बल्कि ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब ये बल्कि ग्रुप्स यहां पर ऐड हो जाएंगे तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम ये ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, और वो भी हम बल्कि सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। हम सिंपल हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, अगर हम सिंपल हाइड्रोजन लगा देंगे तो फिर से रोटेशन हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाएगी। तो बाईफिनाइल जब भी कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है वो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करती है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि हमने इस रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, कैसे, ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप्स को लगाकर। ऑर्थो पोजीशन पर हमें सिर्फ बल्कि ग्रुप्स को लगाते, दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो दोनों जो वो रिंग होंगी वो जो होंगी उनके पास ये डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, सेम ग्रुप्स ना हो, सेम ग्रुप होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है, देखिए अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं सकते हैं इसको। तो आप खुद से, अपने आप से इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा कि दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इस तरीके से, और एक ऊपर ग्रुप है एक नीचे ग्रुप है, इसका एक ग्रुप ऐसे है और इसका एक ग्रुप ऐसे है, यहां पर इस तरीके से है ये। तो अब हमें जब प्लेन लगाना होगा तो एक प्लेन तो हम ऐसे लगा सकते हैं और एक प्लेन हम ऐसे लगा सकते हैं, और दोनों प्लेन में आप इमेजिन करके देखिएगा कि कैसे, अगर रिंग अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कैसे वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। तो हमने ये रिंग बनाई और फिर इसकी मिरर इमेज देखी, तो दोनों मिरर, जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो ये होते हैं बाईफिनाइल एट्रॉप आइसोमर्स। बाईफिनाइल्स को हम बोल देते हैं कि ये एट्रॉप आइसोमर्स है। अब एट्रॉप आइसोमर्स क्या होते हैं, वो आइसोमर्स जो कि अपनी इनेंशियोमेरिस को शो करेंगे, यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू फिनाइल रिंग्स। दोनों फिनाइल रिंग्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप्स यहां पर लगा दिए गए हैं, और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है उसको हम बोल देते हैं कि ये दोनों आपस में एट्रॉप आइसोमर्स हुए, और ये आइसोमेरिज्म कहलाती है एट्रॉप आइसोमेरिज्म। अब देखेंगे हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स। बाईफिनाइल्स के केस में फिर हमने वही देखा कि यहां पर दोनों रिंग्स जो है
रूल्स जो है हमारे फॉलो होने चाहिए। ये दोनों रिंग्स हैं, हमने यहाँ पर दोनों की रिंग्स दिखा, ये दो जो सब्सिट्यूएंट लिए हैं ये दोनों प्लेन में हैं, और जो ये सब्सिट्यूएंट है ये अबव द, ये सॉरी बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। इसका मतलब ये रिंग जो है इस रिंग के परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी एक ऊपर और एक नीचे आएगा जो हमने सब्सिट्यूएंट ऐड किया हुआ, तो ये कायरल हो जाएगी। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर हमने देखा कि दो रिंग्स तो हैं, दोनों रिंग के ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन भी है और ऑर्थो से हमारे बल्कि ग्रुप्स भी अटैच हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स सेम ले रखे हैं हमने, इसलिए ये अकायरल हो जाएगा। फिर हम यहाँ आते हैं, यहां पर हमने देखा दोनों रिंग्स हैं, दोनों रिंग्स के पास दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, लेकिन दोनों से क्योंकि बल्कि ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो दोनों के दोनों सेम हैं, इसलिए ये अकायरल हो जाएगा। अब फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहां पर दोनों रिंग्स ले रखी हैं, दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हमें स्ट्रक्चर देखने से कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि एक को हमने बिलो द प्लेन दिखा रखा और एक को अबव द प्लेन दिखा रखा है, और दोनों हमने लिए, और यहां पर जो है क्योंकि ये एक बहुत बल्कि ग्रुप है, तो यहां पर भी जो है कंडीशन यही है कि चाहे तो आप दोनों पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा दीजिए और चाहे किसी एक ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, तो रोटेशन जो होगी वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, इसलिए ये कायरल हो गया। तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी जो देख रहे थे वो कायरल एक्सिस की वजह से आ रही थी, ये जो एक्सिस जा रही है वो कायरल एक्सिस की वजह से, यहाँ पर कहीं कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं था। अब इन्हीं तीनों कंपाउंड्स में हम इनका आर एस नॉमनक्लेचर देख लेते हैं, कैसे हम किसी को आर और किसी को एस बनाएंगे। देखिए जब एलीन का केस होगा, चाहे कोई भी केस हो, आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर जैसे बन के आएगा, दो तो सब्सिट्यूएंट आपके प्लेन में दिए होंगे और दो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है, सिंपल जो ग्रुप्स हैं उनकी नंबरिंग करनी है। अब उनकी नंबरिंग हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करते हैं हम नंबरिंग। आपने जो 1 और 2 नंबर देना है वो हमेशा प्लेनर जो एटम्स होंगे उनको देना है, और जहां पर भी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन दिखाई दे वहां पर आपको 3 या 4 नंबर देना है। मैंने आपको बताया भी था आर एस नॉमनक्लेचर में कि जो फोर्थ प्रायोरिटी होती है हमारी, वो जो होती है वो बिलो द प्लेन होनी चाहिए, बिलो द प्लेन होगी, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जारी होगी तो आर हो जाएगा नॉमनक्लेचर, और अगर अबव द प्लेन हुई तो जो भी हमारा रोटेशन आ रहा होगा क्लॉकवाइज अगर आ रहा है तो वो एस हो जाएगा, आर का एस हो जाता है। ये मैंने आपको पहले समझाया भी था आर एस नॉमनक्लेचर में, तो मैं यही समझ के आपको यहां समझा रही हूं कि आप वो वीडियो देखकर आए हैं आर एस नॉमनक्लेचर का, तभी आप यहां समझ सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए कि आर और एस हम कैसे देते हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जहां पर भी अबव या बिलो द प्लेन एटम्स होंगे आप उनको सिर्फ 3 या 4 नंबर देंगे, और वो 3, 4 कैसे देते हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम 1, 2 की बात करते हैं, जो प्लेन में दो जो सब्सिटेंट होंगे उनको हमें नंबर 1 और 2 देना है, जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम नंबर 1 देते हैं। तो इसमें से क्योंकि पीएच क्योंकि कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है इसलिए हम इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। ऐसे ही इन दोनों में पीएच की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको हम 3 नंबर देंगे और यहां पर इसको 4 नंबर देंगे। अब हम रोटेशन करा के देखेंगे 1, 2 और 3, जब हम 1, 2 और 3 इस तरह से मूव कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और दूसरा हम देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी हमारी कहां पर है, फोर्थ प्रायोरिटी हमारी बिलो द प्लेन रहनी चाहिए, तो बिलो द प्लेन ही है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसलिए इसका जो नॉमनक्लेचर है उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो एस हो जाएगा। सपोज अगर ये हमारी फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर होती, तो फोर्थ प्रायोरिटी अगर हमारी यहां होती यानी कि अबव द प्लेन होती, और तो फिर पीएच यहां होता, पीएच को हम यहां 3 नंबर देते तब भी हम रोटेशन देखते तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज ही होती। लेकिन अब क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी बिलो द प्लेन है, सॉरी यहां पर अबव द प्लेन है, तो हम जो भी हमारा आंसर आता है हम उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि अगर हम इसको यहां दिखा देते एच को तो 1, 2, 3 से हमारा एंटी क्लॉकवाइज निकल के आता, तो एंटी क्लॉकवाइज निकल के आता, एंटी क्लॉकवाइज से हमारा आंसर आता एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हमारी बिलो द प्लेन रहनी चाहिए, तो तब यहां पर आंसर इसका आर आ जाता। मतलब ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि बस फोर्थ प्रायोरिटी हमें बिलो द प्लेन लानी है, और जैसे भी आप घुमा रहे हैं उसको तो जिस जो भी आपका आंसर निकल रहा है वो वही रहेगा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारी अबव द प्लेन है तो जो आपका आंसर निकल रहा है उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अब जैसे हम यहां पर देखें, यहां पर हमने देखा
जो प्लेन वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हमें नंबर 1 2 देना है। ये कार्बन है इसलिए इसको नंबर 1, हाइड्रोजन है तो नंबर 2। ये कार्बन है इसलिए नंबर 3 और 4th प्रायोरिटी हमारी 4, और वो हमारी बिलो द प्लेन ही है। अब हम फिर मूव करेंगे 1 2 3। जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से, और 4th प्रायोरिटी क्योंकि बिलो द प्लेन है इसलिए ये आर रहेगा। अच्छा, अगर हम स्पायरन के केस में देखें, स्पायरन के केस में भी हमें हमें सिर्फ इन ग्रुप से मतलब है, बस इनको नंबरिंग देखनी है। बीच में क्या बना हुआ है उससे हमें कोई स्ट्रक्चर, चाहे डबल बॉन्ड वाला हो, चाहे बाईफिनाइल्स का हो, चाहे एल्काइडीन साइक्लो एल्केन्स हो, कुछ भी हो, बस हमें सिर्फ कॉर्नर वाले ग्रुप्स को नंबर देना है। तो जो प्लेन वाले ग्रुप्स हैं बस उनको हमें नंबर 1 2 देना है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको कभी यहाँ नंबर 3 4 मत कर देना। जहाँ पर भी अबव या बिलो द प्लेन दे रखा है बस वहाँ पर 3 4 देते हैं, जो प्लेन होते हैं वहाँ पर 1 2 देते हैं। तो ये क्योंकि नाइट्रोजन है इसको नंबर 1 देंगे, इसको हाइड्रोजन 2 देंगे, ये 3 दे देंगे और 4 दे देंगे। फिर हम मूव करेंगे 1 2 3, तो फिर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और क्योंकि 4th प्रायोरिटी हमारी बिलो द प्लेन है तो इसलिए इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमेशा इसका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। फिर हमने यहां चेक किया, इसको नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2, फिर ये नंबर 3, नंबर 4। फिर से हम मूव करेंगे 1 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और 4th प्रायोरिटी हमारी बिलो द प्लेन है इसलिए ये भी आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर हम यहाँ नंबरिंग करेंगे, नाइट्रोजन को नंबर 1 देंगे, कार्बन को नंबर 2 दे देंगे, फिर ये नंबर 3 और ये नंबर 4। फिर हम मूव करेंगे 1 2 3, जब हम मूव कर रहे हैं तो S बन के आ रहा है। मैंने आपको बताया भी था जब हम ऐसे मूव करते हैं तो हमारा R बन के आ जाता है। R हम ऐसे तो बनाते हैं क्लॉकवाइज, तो R को हम ऐसे बनाएंगे, और S को हम कैसे बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है तो हम S लिखते हैं, जब क्लॉकवाइज आ जाता है हम R लिखते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि 4th प्रायोरिटी हमारी बिलो द प्लेन होनी चाहिए। अगर 4th प्रायोरिटी हमारी अबव द प्लेन है तो जो भी आपका आंसर आ रहा हो आपको उसको ठीक उसका उल्टा कर देना है। और बस इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो प्लेन में है सब्सिट्यूएंट उसको तो नंबर 1 2 देना है, और जो डिफरेंट प्लेन पे यानी कि जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है उनको आपको नंबर 3 या 4 देना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, जो भी आपका ग्रुप की प्रायोरिटी बन के आ रही हो। हायर एटॉमिक नंबर वाले को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये सब कुछ था आज, कायरल एक्सिस की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे जनरेट होती है, या हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।